अरे भाई ये था दूसरा सरप्राइज। अबे भाई मैं बहुत डरता हूँ यार, प्लीज। मैंने देख लिया सारे पहले से बाहर खड़े हैं, मॉम है, पापा है, बाकी मुझे एक का नहीं होता। एक कौन होगा? बाजी होंगे तो फरिया होगी। सिर्फ मम्मा पापा है, सिर्फ। बहुत शरारती हो गया, शरारती तो बहुत हो गया। ये मुझे पता, इतना मार रहा था। हाँ पहुंच गए इस्लामाबाद फिक्स 6 बजे। ओके जी, तो भाई डे 2 की मॉर्निंग हो चुकी है। एक दिन हमारा पूरा जो है ना सोते हुए गुजरा है, क्योंकि हम लोग रात को निकले थे और फिर सुबह आके सोए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अर्जेंट काम था। एक हाथ मीटिंग थी हमारी जो कि हमें करनी थी, और फिर हमारी है आज की फ्लाइट। फाइनली पापा लोग बहुत वेट कर रहे हैं और बासी से मिलने का, और बासी भी बहुत वेट कर रहे हैं, तो रात में मिलेंगे। आज तो हमें लेने भी दादा आएंगे, पता है पुट पे। पर बहुत पूरा दिन ही गुजर जाएगा क्योंकि हमारी फ्लाइट इतनी है, रात को 12:30 बजे तक पहुंचेंगे हम। तभी सुकून से सो रहे महाराजा। अभी हमारे पास जो है काफी ज्यादा टाइम है, अभी बज रहे हैं 3:00। मेरा फ्रेंड जो है वो कहता है कि क्या कर रहे हैं भाई, एक छोटा सा काम है, ये करते हैं फिर चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने भी स्टॉप ले लिया है, एक छोटा सा काम है पहले वो करते हैं। इनको देखनी है फिल्म देखनी है। हाँ। टाइम हो तो देख लेंगे फिल्म भी यार। वैसे फिल्म देखने हम लोग कब से नहीं गए। कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी रोक रहे हो, कभी फिर चला रहे हो। सरप्राइज है भाई, सरप्राइज। क्या सरप्राइज है? बस दोनों के लिए सरप्राइज है। अभी दोनों के लिए सरप्राइज? कोई सरप्राइज होने वाला? दोनों के लिए, मेरे लिए भी है। अच्छा दादी क्या है? अभी बता दो। बताए ना, अभी बता दो यार, हम बहुत थके हुए यार, सफर करे जा रहे हैं। कुछ भी कर लो, नहीं बताने। सरप्राइज होते हैं भाई, 2 मिनट सफर करो। 2 मिनट का सरप्राइज है? 2 मिनट का सरप्राइज, ये 2 मिनट बाद सरप्राइज है। 2 मिनट का नहीं, 2 मिनट का, 2 मिनट में ही सरप्राइज खुल जाएगा। देखते हैं भाई क्या सरप्राइज। पूरे सफर में अगर आयरन में सरप्राइज मिले तो क्या ही बात है। क्या हुआ? फिर ब्रेक लगा दिया? तुम बैठो, मैं आता हूँ 1-2 मिनट में। ओके सो गाइस, ये बंदा जो है वो चले गया सरप्राइज लेने। पता नहीं क्या लेने गया है, कौन सा सरप्राइज है। बोलता है बस मैं आ रहा हूँ, सरप्राइज है। अब ये आएगा तो पता नहीं क्या सरप्राइज होगा। तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कान साफ ले भाई, ब्लॉग बनाते बनाते कान साफ हो रहे गाइस। अरे नहीं कर, गुदगुदी हो रही। अरे क्या है? अबे भाई क्या है, मैं कल ही कसम कुछ लाया। गाड़ी में नहीं बैठूंगा, दरवाजा बंद करो। ये क्या चीज है, क्या छुपा रहे हो यार? ये नहीं करो, ये तो जानवर लग रहा है। कोई दिखाओ यार, दिखाओ, मैं आगे आ जाऊंगी। दिखाओ, मुझे लगा कोई जानवर शानवर ले आए हो। प्रैंक ही लग रहा है मुझे, कोई भाई प्रैंक होगा शायद आपके लिए। सरप्राइज प्रैंक है आपके लिए? प्रैंक है ना, प्रैंक है मास्क का सरप्राइज। ये मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइज, अपने पास से, अपने कसम से। आँख बाग मार दी, इतने हल्के में लिया भाई क्या? हाँ आँख बाग मार दी है। कौन सा वाला है? ये वाला। अबे इसके अंदर से थैली के अंदर थैली निकल रही है। थैली के अंदर थैली, लेट्स सी क्या होता है इसमें। अरे कैसा लगा वॉच? कैसा लगा सरप्राइज? कैसा लगा? क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा। बहन भाई ने मिलकर प्लान किए हुआ थे तेरे। प्लान किया मैंने ये? हाँ ना, ये मैंने कब से मंगवाई थी बागी भाई से। सवाद जब हम पहुंचे थे उसी दिन से बोला हुआ था। कौन सी पहुंची? चेक करके अभी खुद देख, आप खुद पता चल जाएगा। आप बोले आपने देखा होगा मेरे हाथ में खाली, तभी मुझे बहुत बुरे लगते हैं। अल्ट्रा, ओए होए 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 होए, एप्पल वॉच अल्ट्रा आ गई भाई। 7 अल्ट्रा है ना शायद, 8। गाड़ी में अनबॉक्सिंग हो गई, क्या लेवल की है भाई। ओए अच्छा, इसके मैंने ना तीन मंगवाए थे ना, एक ऑरेंज है, एक ब्लू है, एक इसके साथ अपना सिल्वर है। सिल्वर पहनूंगा, मुझे सिल्वर पसंद है। ग्रीन दे दो। खुल गई। कैसा लगा सरप्राइज दिया भाई दोनों ने मिलकर? यार दोनों की प्लानिंग थी। मुझे आपको देना था, मैंने आपके लिए कला भी बनवाया। वैसे वो सरप्राइज तो नहीं है, पर इसलिए माज मुझे इतना घुमाते हैं, ट्रैवलिंग करवाते हैं, तो मैंने कहा इन सब का थैंक यू एक ही जगह पे बोल देती हूँ। थैंक यू, लव यू टू। वाह माज कितना प्यारा कलर लग रहा है। मैंने आपको ये इसलिए दिया ताकि आप ना मोबाइल कनेक्ट करें इसमें। मोबाइल तो कनेक्ट के बगैर तो ये कुछ भी नहीं है। देखिए बाकी भाई कितनी प्यारी लग रही है, उनके कॉल भी आती है और वो तभी बाद मोबाइल से करूँगा। हाँ तभी मैंने इसलिए आपको दिया जी। नोटिफिकेशन आया तो पता लग गया, कितना मजे की लगेगी ना, कॉल भी आएगी, आप यूँ करके करेंगे। वाह भाई वाह जी, क्या बात हुई। अच्छा ये मुझे और डिजिटल की तरफ लेना चाहती है, जितना मैं दूर भागना चाहता हूँ डिजिटल से। ये बोलती है और करीब जाओ। थैंक यू बहुत अच्छा सरप्राइज है गाइस, बहुत अच्छा सरप्राइज। इस्लामाबाद में इतना इशू है नेटवर्क का यार, देखो सिग्नल ही नहीं आ रहे, तो मेरा सेटअप ही नहीं हुआ अभी तक, और अब हम जा रहे हैं मूवी देखने। एक और चीज है, एक और भी सरप्राइज, एक और वो तुम्हें पता ही है? तो वो क्या बोला तुम्हें, तो पता होगा
मेरे लिए सारे सरप्राइज तुम लोग ने छोड़े क्या? पता है ये भी तुम लोग को पता होगा। वो सरप्राइज मुझे बहुत पसंद है पर मैं उसको यूज नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब मूवी से पहले एक और सरप्राइज आ रहा है। मूवी से पहले एक और सरप्राइज। लो भाई गाइस, आज तो मेरे लिए सरप्राइज छोड़ दिए, तो एक वॉच का मिल गया, अभी देखते दूसरा क्या मिलता है। फिर देन तो तीसरा सरप्राइज जो होगा ना वो मेरे लिए नहीं है, वो बासिल के लिए। बासिल दादा के पास जाएगा, दादा के नाम से फोरन देगा। अरे भाई ये था दूसरा सरप्राइज। अबे भाई मैं बहुत डरता हूँ यार, प्लीज कुछ बोलता तो नहीं पक्का, देख लो। अरे भाई हाय 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 माशाल्लाह भाई, ये कौन सी नस्ल लिया है? हस्की है मेरी जान, हस्की। कहाँ पर रखने का प्लान है? ये रहेगा मेरे रूम में। अरे बासी ये देखो भाई, हस्की डॉगी डॉगी डॉगी, मम्मा की तो डॉगी फेवरेट से। भाई कितना प्यारा हस्की है माशाल्लाह भाई। भाई बेबी हस्की है ये, और ये जाने वाला है रिजॉर्ट पर, वहाँ का ये रखवाला होगा मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह भाई रखवाला होगा ये। आए इसकी एक्साइटमेंट कितनी हो रही है, बहुत शौक है जानवरों का भाई। ये देखिए कितना खुश है, देखना मैं पीछे करूंगी इधर इसको। इसको पीछे छोड़ो। अरे अरे सबर सबर सबर। अरे भाई बासिल के लिए पीछे लेके रखना पड़ रहा है, बस यहाँ रख दो। आहा ये रहा भाई, ये रहा। बस ये कार्ड बांट ले यार, बाकी देख के मजा भी आ रहा, बासिल को डर भी लग रहा है। प्यार कर रहे हैं, बासिल को प्यार कर रहे हैं। इतना बड़ा हो जाता है, पता आपको ये इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा हो जाता है हस्की गाइस। और इतना ये जो है ना, लेंथ में भी बड़ा होता है और वेट में भी बड़ा होता है, और ये समझ लो कि काइंड ऑफ वुल्फ की तरह होता है हस्की जो है ना, वुल्फ की शक्ल का होता है थोड़ा बहुत। हाय बस 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 बस, दोनों पपियां कर रहे हो छोटे वुल्फ को। हाँ तो बस ये रिजॉर्ट जाएगा और तुम लोग तो घर जा रहे हो। अब रिजॉर्ट नहीं जाना, अब तो मैं घर जाना, आज तो फ्लाइट है। सब इतनी ख्वाहिश थी घर पे ला के रखे हैं, घर पे कभी आया नहीं, और ये फाइनली भाई रिजॉर्ट के लिए आ गया है। क्या खतरनाक होगा ये जब अपनी एज में आएगा। वो चेक कर देखो, क्या ये जगह भी इसकी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये और ऊपर से चेक करो बाल कलर थीम इसका, ये हस्की की निशान। ओए 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 ओए, बाबे खुश हो रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा मैं भी ना कम डर रहा हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है ना, इसलिए अगर ये बड़ा होता तो मैं भी भाग जाता। हाँ नाम सोच लो कोई अच्छा सा। नाम सोचता हूँ इंशाल्लाह, फिर शेयर करता हूँ। तुम सोच रही हो? हाँ क्या सोच रही हो, कोई अच्छा नाम आ जाए तो बता दो फिर। बासिल लेके जाने इसे, बासिल तो ले भी जाए इसको। हाँ। कितनी खुशी तो देखो भाई। अरे इतनी खुशी भाई, इतनी खुशी। इसको खुशी तो होती है गाइस, फिर सरप्राइज हो गया मैं। अब ये जो है ना डॉगी ले आए जी, डॉगी डॉगी डॉगी। और भी है क्या, ये एक ही है इसके पास है लेकिन बाकी घर में। अच्छा बाकी घर पे है, बस अभी छोड़ रहे हो? अभी छोड़ रहे हो, लेकिन चल रहे साथ क्या? वापसी में ले लेंगे, वापसी में। हाँ ठीक है ठीक। इसलिए भी छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि हमें तो मूवी देखने जाना है, फिर एयरपोर्ट जाना है, तो ये क्या करेगा फिर? हम गाड़ी में अकेले छोड़ नहीं सकते, गाड़ी भी बंद करके जाते हैं। तो अभी ये तो पता लग गया कि चलो भाई रिजॉर्ट के लिए हमने एक डॉगी ले लिया, पता आएगा जब भी रिजॉर्ट जाएंगे। अभी तो रिजॉर्ट जाते थे बस मोर के साथ थोड़ा बहुत होते, इस बार मोर भी नहीं है गाइस। एक बैड न्यूज बताना भूल गया मैं आपको, हमारा मोर भी मर गया है। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? चाहिए क्या डॉगी? नहीं मुझे, मेरे लिए रो रहा होगा, डॉगी के लिए नहीं। हाँ नहीं 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 ज्यूटी, यकीन हो गया भाई? इनको भी यकीन नहीं हो रहा था गाइस। पिंडी में आए मैं अपना जो डॉग लेने आया, पिंडी आया इस्लाम। अरे भाई एक और कोई आ गया। कैसे हो भाई, ठीक हो? ठीक ठाक मजे में भाई। अच्छा भाई एक और भी आ गए, कैसे हो? अलहमदुल्लाह। हाँ मिलेगी मिलेगी, मुझे लगता नहीं था कि पिंडी में भी लोग देखते होंगे यार। क्यों नहीं हम देखते हैं। अच्छा? मेरा कजन डाई हार्ड फैन है। डाई हार्ड फैन है भाई, पता नहीं बासिल क्यों रो रहा है, शायद मास्क के लिए रो रहा है, पर यार डॉग के लिए रो रहा है। अभी हम आज आके बैठेंगे तो पता चलेगा। मेरे लिए ही रो रहा है, डॉग के लिए नहीं रो रहा है। इसको अभी डॉगी का इतना नहीं पता, अब जब रिजॉर्ट पे जाया करेगा जब इसको आदत हो जाएगी ना, जब इसको डॉगी का पता होगा। और मैं बैड न्यूज सबका बता रहा था कि हमारा मोर मर गया है यार रिजॉर्ट में, व्हाइट वाला, और दूसरा वाला जो है ना वो भाग गया, वो भी नहीं मिल रहा था इस बार। हाँ ना बच्चे आए थे ना, वो बोले थे कि मोर 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 थे ही नहीं यार इस बार। बासिल बेटा बैठो, पापा के लिए रो रहे हो आप? पापा भी आ रहे हैं, रुक जाओ आ रहे हैं। चलो गाइस हमें तो बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि हम पहाड़ों से आए ना, पहाड़ों में तो मजे की ठंडक थी, अभी यहाँ में पसीने आ रहे हैं। ये बड़ा मसला होता है यार, जब आपको पहाड़ों की आदत हो जाए ना तो आपको नीचे बर्दाश्त ही नहीं होती गर्मी। जी मुन्ना पापा आ गए, मुझे तो डॉगी के लिए ही रो रहा है अभी। डॉगी के लिए रो रहा है, वो एक डॉगी पसंद आ गया है। अच्छा 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 अच्छा, आपको नया ला के देंगी, गंदा था ये, इसके गीला गीला था, इसके अच्छे बाल नहीं थे। नहीं नहीं ना, कहाँ जा रहे हो? अच्छा मेरे मुन्ना आ जाओ, मेरे पापा आ जाओ। अल्लाह मेरे बेटा कैसे रो रहा है, कभी आपने ब्लॉग में इसको रोता हुआ नहीं देखा हो, कितने गंदे हो आप, मेरे बेटे को डॉगी नहीं दिला रहे। बस भूल जाएगा, गाड़ी चलेगी ना भूल जाएगा। इस तरह रोता नहीं है वैसे, अभी पता नहीं क्या हो गया इसको, शायद डॉगी को जितना ज्यादा प्यारा लग गया इसको। हमारे दोनों सरप्राइजेस हो गए, अब चलते हैं हम लोग मूवी देखने, लेट्स गो। सब्सक्राइबर्स मिल गए रस्ते में, इन्होंने पिक्चर बनानी है, मैंने बोला बना लो। कैसे हो, ठीक हो? मैं आपको गेम शो से देख रहा हूं, आप गेम शो में
क्या 8:30 बजे तो हमने एयरपोर्ट जाने वाला, कोई मूवी भी नहीं लगी। गाइस मूवी की टाइमिंग जो है ना हमारे टाइम से ना मैच नहीं कर रही, क्योंकि अभी हो रहे हैं 5:30 और मूवी लगेगी भाई 6:30-7 बजे और कुछ मूवी जो है स्टार्ट भी हो गई है। तो अभी ये प्लान है कि भाई अब हम जो है ना मूवी भी नहीं देख रहे, क्योंकि हमारा एक जो है ना ये समझ लो कौन सा डे कहते हैं फारिक डे हो गया। नहीं सरप्राइज मिले काफी अच्छे, बट मूवी वाला फारिक डे हो गया। ये मूवी का हमारा प्लान था कब से, जब से मैं सवाद आया तो हमने बोला था कि इस बार ना मूवी देखेंगे, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से मूवी नहीं देखी। तो बट अब मूवी आज भी नहीं देख पा रहे, तो अब जो है वो चलते हैं डॉग शॉप जाते हैं, डॉग शॉप चलते हैं, डॉग का खाना लेते हैं और वो बता भी देगा डॉग क्या खाता है, हस्की क्या खाता है ये। चलो 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 लेट्स गो। सबको ने अपने बोला था सबा तुम गाड़ी में रहना, हम मूवी भी देख कर आ देंगे, 2 घंटे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। बासिल सो रहा था, इसको उठा के लेके जाते हैं, वहाँ पर तंग करता। अब सीन ऐसा है कि भाई सबा ने ना दिल से ना हदवा दे दिया हमें, ये जो जगह है ना यहाँ से इंटर होते, मैंने कहा लगा मूवी लगी ना, बस मैंने ऐसे ही सिर्फ एक बार बोला था, क्या बोला था ना इंटर होते, मुझे पता ना सभा ऐसी करती है गाइस, जब इसको कहीं मैंने छोड़ के जाता ना तो ये पीछे पीछे से कुछ ना कुछ बोल देती है, फिर वही चीज हो जाती है। बस बस गंदी सभा। हम जा रहे हैं भाई डॉग शॉप। चलो 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 मिल चुकी है पेट शॉप। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे खाने लगे हुए भाई, बिल्लियों के अलग लगे हुए, डॉगी के अलग लगे हुए, क्लीनिंग का सामान भी है उनका। कौन सी मतलब नॉर्मल ब्रीड की तरह या दूसरी ब्रीड की तरह? नॉर्मल कुत्तों का सारा एक ही जैसा होता है, केट का भी सारा एक होता अच्छा है। उसके अंदर अगर उसके अपने अपने ब्रीड है तो क्या तब कोई भी खाना खिला सकते हो, बट कुत्तों का हो। लेकिन इसमें सबसे अच्छा कौन सा है? ब्रूफ सबसे अच्छा है। यहाँ पर खिलौने भी पड़े हुए भाई डॉगी के। ओह ये देखो भाई डॉगी की पैसिफायर देखो, इतनी बड़ी भाई अजीब अजीब तरीके से खिलौने इनके तो यार। पट्टा भी लेना छोटा सा है ना, छोटे बेबी का पट्टा होगा आपके पास? 2 मंथ वाला होगा। अच्छा ये लग जाता है, एक पट्टा भी ले लेते हैं। कैसे बोलते हैं एक दफा ये ले लो, जब बड़ा होगा जब भी काम आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। ओए अभी हमें फूड में कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि हमें पता लगा है कि भाई वो है सिर्फ 2 मंथ का, और 2 मंथ में अगर आप उसको फीड दे दोगे ना, ये हैवी फीड है, ये बड़े कुत्ते भी खाते। जब मैं बिल्ली रखी थी ना सबा वाली, तो उसको हमने 4 या 6 महीने तक हमने दिया था चिकन बॉयल। अब मुझे ये लग रहा है कि भाई ये वो नहीं खाएगा, तो उसके लिए बॉयल चिकन ही देनी पड़ेगी या कोई दूसरा फूड जो घर में आप हेल्दी बना सको वो खिलाओ, क्योंकि ये बड़े कुत्तों के लिए फीड होती है। यार भाई ये देखो फॉर पप्पी छोटा, वो देखा फॉर एडल्ट बड़े के लिए। तो ये ले ले क्या? ऐसी बात है यार, ये अभी दे रहे हैं ना इसको। हाँ तो कह रहे हैं मैं इसको इम्पोर्टेड फूड दे रहा हूँ। अच्छा गाइस अब हमने दूसरा ले लिया भाई, हमने वो भी निकाला था बट किसी ने बोला कि भाई इम्पोर्टेंट खिलाना है, तो इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये वाला है। आए। और ये इतना सा पैक जो है ना गाइस वो मिला 5,000 रुपए का। भाई कुत्ते भी खाना महंगा खाते हैं। बासिल मम्मा के पास देखो क्या है, ये खुश हो गया, खुश हो गया। ये जब से गया है ना बासिल तब से इतना चिड़चिड़ा हुआ है। तो गाइस फिर हमने दोबारा मंगा लिया है भाई हस्की, वो पागल हुआ इसके पीछे नहीं करेगा कुछ भी नहीं, वो प्यार कर रहा है, वो चाट रहा है। कितना खुश हो गया बासिल, अभी रो रहा है। वो भी खुश है बासिल के साथ, वो भी खुश है बासिल और हस्की की दोस्ती। बासिल अब कितने शांत हो गया, अभी तक अभी कब से रो रहा था ये गाड़ी में, इसकी गोद में। इसको भी मजा आ रहा है, दोनों को मजा आ रहा है, कब से रो रहा था बासिल को मजा आ रहा है, देखो उसकी उंगली चाट रहे। बासिल अपनी मम्मा में गए, नहीं ना इसके नाम सोचे बागी भाई, सोच लिया नाम इसको बात ना। दोस्त है ये, दोस्त है आपका बासिल का न्यू फ्रेंड है ये, सोच ये भी सो रहे, इसको भी मजा आ रहा है। दो बच्चे एक साथ पल रहे हैं। सो गाइस अब जो है ना हम चलते हैं डायरेक्ट एयरपोर्ट की तरफ। अभी टाइम काफी है, फ्लाइट है हमारी 9:30 बजे की और अभी हो रहे हैं 6:30, तो एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते 7:30 या 8 तो बज जाएंगे, फिर आपको मिलते हैं एयरपोर्ट पे और ये जो हस्की जो है फिर ये चले जाएगा रिसॉर्ट, फिर मिलेंगे इससे रिसॉर्ट में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटा जब तक खेलो जितना खेलना है, सिर्फ 1 घंटा है बस। मजा आ रहा है इसको देखकर, ये तो मैंने पहली बार देखा यार कि बच्चों को मजा आ जाए एनिमल के साथ। गाइस अभी बासिल और हस्की की ना लड़ाई हो गई थी, बासिल ने इसको यहाँ मुंह से पकड़ लिया, ये ए ए करने शुरू कर दी। मैंने बोला कि काट ना ले बेटा तुम आगे आ जाओ, तो ये अगर बासिल को काट लेगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैंने इसको आगे बिठा लिया और बासिल को पीछे। मैंने इसके नाम सोच लिए। बताओ क्या सोचा है? मैक्सी। मैक्सी और बेली और मैक्सी। हाँ फिन भी अच्छा है। फिन और क्या? फिन और वेलो। वेलो नहीं नहीं मैक्सी सही है। मैक्सी मैक्सी आई लाइक इट। सो हस्की का नाम फिर मैक्सी रख देते हैं गाइस हम। मैक्सी अच्छा नाम लग रहा है, इतना बड़ा बच्चा 2 महीने का हो गया, 2 महीने बाद बेचारा नाम रखा गया है इसका। के बाद नाम रखा है। मैक्सी भाई मैक्सी नाम अच्छा है, वो मुझे काट डालियो भाई। गाइस मैं बहुत डरता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा हिम्मत वाला हूँ सबा को देखकर, क्योंकि ये नहीं डरती थी ना इन चीजों से। मैंने बोला फिर मैं क्यों डरू यार, मिलेंगे मैक्सी आपसे फिर रिजॉर्ट पे। हाँ अगली बार जल्दी आएंगे आप। बासिल को बड़ा चाटा इसने भाई, अब इसको बासिल की खुशबू याद रहेगी। पहुंच गए एयरपोर्ट, बैग निकालते हैं और यार वो लेकर आनी है हमें ना ट्रॉली, ट्रॉली में रख के लेके जाएंगे वरना 2 बैग कैसे संभालूंगा। मिल गए चलो 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 ओए चल 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 रखो 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 ओए 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 चलो जी
थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। ओके बड़ी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं, हस्की को संभाल के लेके जाना, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत ओए रखो, जोस को अलाउ नहीं है मेरे को ले जाना। नहीं पिक्चर ले ले, इसकी ताज मैंने वापसी को बुलाया भाई, वापसी आके ले लेंगे। वापस ले ले, आज भी बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ा होते होते ले लो पिक्चर। चलो जल्दी पिक्चर खींच लिया, उठाते हैं बासिल को। चलो उठाओ जल्दी जल्दी, अब जल्दी उठाओ फटाफट फटाफट फटाफट। चलो चला 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 चला। ओए भाई किधर जा रहा है? उठ गया, उठ गया। मिल गया बोर्डिंग पास। बैठ चुके भाई जहाज में। जहाज का सफर जो रात रात का होगा, तो आज इस बार कोई व्यू नहीं मिलेगा हमें। गाइस नीचे उतार दिया इसको, इसको तो मजा आ रहा है नीचे उतर कर। गाइस बहुत शरारती हो गया, बहुत शरारती हो गया माशाल्लाह। पहाड़ों पे जब भी जाते हैं दिमाग खुल जाता है बेटा। इसका सीट बेल्ट लगा है, सीट बेल्ट भी लगाया हमने इसका, फिर भी इसको नीचे उतरना है। बस अब तोड़ने वाले। क्या ये बाद में खाएंगे? हाँ, ये बिरयानी खाएंगे ना, वो तो 500। ये तो करवाया था फ्लाइट में, ये 500-600 रुपए का है। मैंने बिरयानी खानी है, वो करवाते हैं। वो गलती से हो गया था। बस तो गलती आपकी है, मेरी थोड़ी है। तो इसके जरा बिरयानी। गाइस फ्लाइट में जब भी आओ बिरयानी, तो ऑर्डर करते हैं बिरयानी। आ गई जी बिरयानी, आ गई जी बिरयानी। अच्छा एक नहीं खोलूं, चलो एक में खा लेता हूँ और एक रख लेते हैं, तो क्योंकि बेबी जो है ना वो सो रहा है। अबे 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 भाई, अबे सो जा भाई, सो जा यार प्लीज, खाना खाने दे हमें। मैं ना छूता हूं, अलग अलग खाना चाहता। चलो तो भाई खाते हैं हम। वहाँ सब लोग नीचे उतरने वाले हैं, नीचे कराची नहीं दिख रहा, बिल्कुल बादलों में ये दिख रहा है। सारे बादलों में कराची दिख रहे हैं, बादल नहीं, ये वाइट वाइट है। हाँ दिख रहे हैं अंधे। और फिर आप ग्लासेस भी गिफ्ट करना है मुझे आप, जिससे सही दिख सके आप। से उतर चुके हैं, अब करते हैं भाई बैगेज क्लेम। एक बात बताऊं? क्या? मैंने मम्मा को ना बोला कि हम ना डॉग ला रहे हैं। हाँ कब बोला था? अरे मैंने ना मम्मा को ना व्हाट्सएप पे ये भेजा, मम्मा कह रही बासिल लड़ नहीं रहा था, तुम लोग कब तक आओगे? मैंने कहा हमने ये डॉग ले लिया। फिर मैंने उसके खाने वाली वीडियो भी भेजी कि उसको मैं खाना दे रही हूँ, मैंने कहा ये ले ली। मम्मा ने कहा एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं है, तो मैंने कहा मास्क की बात है एयरपोर्ट पर, उन्होंने कहा ले आना आप, तो मम्मा ने उसका जवाब ही नहीं दिया। तो क्या मतलब इसमें क्या बात हुई कि मम्मा क्या रियल समझ रही, क्यों लेकर आ रही? उनके लिए भी सरप्राइज। आज के ब्लॉग फुल ऑफ सरप्राइजेस हो गया। एक जो सरप्राइज दे रहे मम्मा को, लग रहा होगा हम डॉग लेकर आ रहे हैं ना, क्योंकि मम्मा ने उसके बारे प्लान नहीं दिया, तो मम्मा समझ रही होंगी हाँ लेकर आ रहे हैं। मम्मा को इसलिए भी यकीन आ गया होगा क्योंकि मम्मा को लग रहा होगा शायद आपकी किसी से बात हो या कोई दोस्त आपका। तो टोपी पहना दी, सो अब मॉम शायद पागल बन चुकी है मतलब, तो देखते हैं अब क्या सीन होता है। मॉम खुद लेने आ रही मैसेज, और लेने भी बाहर पापा और मम्मा है आज। तो पहले से ट्रॉलीज पड़ी हुई इतनी सारी, वो देखो जनाब, वो पता नहीं कहाँ से लेकर आई। अरे मुझसे बच के नहीं भाग सकता जरा, तू भी कहाँ भाग रहा है? इधर इधर, अबे तू भी कहाँ भाग रहा है? इधर, उइ ये काफी भारी है यार। चलो जी लोग सारे खड़े हैं, हमें सबसे पहले मिल गए बैग्स। गाइस सारे पहले से बाहर खड़े हैं, मॉम है, पापा है, बाकी मुझे एक का नहीं होता, एक कौन होगा? बाजी होंगे तो फरिया होगी, सिर्फ मम्मा पापा है सिर्फ। बड़े दिन में बासी मिलेगा, पापा तो उसको चाट चाट के खत्म कर देंगे। पापा का सरप्राइज, खुशी है देखो इसकी। क्या हुआ, हल्का हो गया? अभी उठाया मैं तो भारी लग रही है। कुत्ता का, कुत्ते के डर से नहीं आई, कुत्ते के डर से नहीं आई, कह रही है नहीं मैं कहाँ बैठूंगी, मैंने बता दिया था। अरे भाई खुश हो रहे ना, कितना गले टाइट लग रहा है। और कोई ताता है? हां खुशी कैसी देगी, खुशी कैसी देने, तीसरी उम्र में कितना खुश हो रहा है। बहुत शरारती हो गया, शरारती तो बहुत हो गया। मुझे पता इतना मार रहा था सबको, कुत्ते को भी नोचा था इसने। चलो गाइस चले भैया, फिर जाके बात करते हैं। और पहुंच गए गाड़ी के पास, तो बाद में रखेंगे। चलो आराम से, आराम से साइड में, बस गुड गुड। पापा तो अंदर बैठे नहीं थे, बासुर को छोड़ ही नहीं थे। पपिया कर रहा है, पपिया कर रहा है देखने में, मेरे को लगा हुआ बस दादी दादा मिल गए। बहुत जोर से देख रहे हैं भाई, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? फुल ऑफ सरप्राइजेस वाला व्लॉग हो गया भैया। ये सब ने मुझे घड़ी भी दी है एक, आज आईफोन ये। अच्छा चलते भैया घर पहुंच गए फाइनली घर। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ताज डॉन, हाउ आर यू ताज डॉन? वालेकुम सलाम, कैसे हो ताज डॉन? सारा सामान उठा लोगे भाई? बैग से गिरू ले आएंगे यार, कब से उठा उठा के मैं थक गया हूँ। मैं उठा रहा हूँ बैग, आपको पता है जैसे के क्या हुआ। हाय 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 माय स्वीटी। अबे भाई लोगों ने पाकिस्तान के झंडे अभी तक लगाए हुए? अभी तक? ओ भाई 14 अगस्त को इतने टाइम हो गया, 10-15 दिन हो गए अभी तक। अरे फरिये पप्पू आ गई हैं। हाँ यादाश वापसी आ रही है ना अलकल की, अभी पप्पू याद आएंगे, दादी याद आएंगे, दादा बच्चों का यही है भाई, बच्चों को जो ज्यादा खिलाएगा ना, जो ज्यादा खिलाएगा उसके बाद बच्चे भाग गए। घर आ गए,
खुल जा सिम सिम। अस्सलामुअलैकुम। हाय माय स्वीट रूम, जंप मारूंगा ओए। मुझे पूरे ट्रिप पे इंक्लूड माय रिसॉर्ट, ठीक है? लाइक जो मेरा इधर वाला बेड है वो कहीं पर भी नहीं, किसी भी बड़े से बड़े होटल पे, इवन पीसी पे भी नहीं है भाई। इतनी खुशी भाई, इतनी खुशी, इतनी खुशी भाई, हाँ इतनी खुशी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ वहाँ से। तो इस ब्लॉग का जैसे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद है ब्लॉग को, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट 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 कर दो यार। मुझे आज यह सरप्राइज मिला था और मैंने आज ही आज क्या किया है क्या बदतमीजी क्या गाइस, इन्होंने मेरी एप्पल वॉच से ब्लैक पट्टा निकाल के अपनी वॉच में लगा लिया और ये वाला मुझे दे दिया और ये देखिए इसमें सिल्वर और ब्लैक कितना बुरा लग रहा है और वो कितनी अच्छी लग रही है। और जब से मास्क को वॉच दी है ना मैंने, गिफ्ट मास्क क्या कर रहे हैं तो मोबाइल में पी रही हूँ जैसे वो पहली बार किसी का कोई चीज न दी दे। और क्या चेक कर रहा था? हार्ट बीट, स्टेप कितने चले मैंने। गाइस अब कुछ चीज आई है तो ये तो करेंगे ना, जल्दी पहले आप मेरा पट्टा चेंज कर लो। नहीं नहीं पट्टा नहीं 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 भाई नहीं, जब बंदा दे तो भाई वो चीज है ना जो मुझे पसंद आई, तो मुझे पसंद आई ये वाली। और इन्होंने भी हाँ वॉश इनका वॉश नहीं थी, इन्होंने जो है ना वो बाकी भाई से एक्सचेंज कर ली, क्योंकि बाकी भाई को उन्होंने इन्होंने फिर बोला कि आप दूसरी ले लो, मुझे ले लो, उन्होंने बोला ठीक है भाई तुम ये ले लो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखो, बाय बाय, और मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग। लाइक करोगे तो मिलेंगे, वरना चले जाएंगे। बाय।